जय हिंद, जय भारत। देखिए, कर्नाटका में एक विधायक के घर से भारी मात्रा में एंटी करप्शन नोटों का जाखीरा पकड़ा, वो भी विधायक बीजेपी का। आज हमको जान पड़ा, देखिए ये नहीं बख्शे जा रहे हैं, विधायक लोग भी नहीं बच पा रहे हैं, मंत्री लोग नहीं बच पा रहे हैं, तो फिर ये विभाग, होमगार्ड विभाग जो एक है, इसमें क्या विधायक से ज्यादा पकड़ इनकी रणजीत सिंह पोप, डीआईजी जो झांसी प्रयागराज रेंज, झांसी रेंज के वो डीआईजी बनाए गए हैं, ये अभी इनका साबूतों के साथ मैंने सरकार को और एंटी करप्शन डायरेक्टर को मैंने साक्षों के साथ दिया है। आज इनके पास अरबों रुपया की संपत्तियां खरीदी हैं, वो भी गोमती नगर जैसी जगह पर, आठ आठ इनके मकान है, जिनके एरिया 3,000 4,000 5,000 स्क्वायर फीट में है। इनकी संपत्ति फैजाबाद रोड पे भी है, जमीन खरीद रखी है, और हरदोई रोड बसंत कुंज में है, और काफी मात्रा में बैंक बैलेंस भी इनका है, गाड़ियों का शोरूम भी खुलवा दिए हैं। तो अब बताइए, ये इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, सरकार की चोरी कर रहे हैं। इधर होमगार्ड का ये पूरा का पूरा पैसा प्रदेश भर के होमगार्ड जवानों का है, जो भी संपत्ति खरीदे, जो भी ये मकान खरीदे, जो भी इनका बैलेंस है, ये प्रदेश के डीआईजी बना दिए गए। तो ये पूरा 80-90 लाख करोड़ रुपया महीना की तहसील आई है पूरे प्रदेश से, उसमें बड़ा लंबा। तो देखिए, पैसे के बल पर और सोर्स के बल पर आज हमारे किस तरीके से रंजीत जी को, रंजीत सिंह पूर्व डीजी डीआईजी होमगार्ड उत्तर प्रदेश, जब इनके ये लेटर गए तो इनका सिर्फ डिमोशन करके झांसी प्रयागराज रेंज का डीआईजी फिर भी बना दिया गया, ये छुपाने के लिए। ये घूम के पैदावार वही है, सब कुछ वही फिर हो रहा है, और इनको यहां रहेंगे तो इनकी बात उठती रहेगी। तो क्या ये विधायक और मंत्री महोदय जी से बड़ा पावर है? तो आखिर ये होमगार्ड के अधिकारी क्यों बचाए जा रहे हैं? इनकी जांच भी बैठी है, शासन स्तर से, सरकार स्तर से आदेश भी हो चुका, उसके बीच में क्यों दबाया जा रहा है? इनकी संपत्तियों की क्यों नहीं जांच की जा रही? मैंने अच्छा प्लाट इनके वाइफ के नाम है, तो ये किसी की तो बेटी बन गई, तो किसी की तो दूसरे की पत्नी बन गई, रंजीत साहब की तो पत्नी है ही है, दो मकान रंजीत सिंह साहब के नाम है। तो ये अतनी अचूक संपत्ति आखिर इन्होंने कहां से बनाई? यही दशा ये जितने होमगार्ड के अधिकारी हैं, इनके ठाट बाट देख लो, चाहे वो कमांडेंट हो, चाहे वो मंत्री हो, ए वो मंडली कमांडेंट हो, इनकी अगर कोठियां देख लो, इनके बैंक बैलेंस देख लो, इनकी संपत्तियां देख लो, तो होश उड़ जाएंगे। आखिर डीआईजी का किसका हाथ है? डीआईजी रंजीत सिंह का किसके द्वारा बचा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। और इसमें अधिकारीगण भी जो हैं, हमको तो लगता है वो ढील रखे हुए हैं,
जब शासन स्तर से आदेश होगा साबूतों के साथ मैंने दिया है तो इनकी जांच क्यों नहीं, और होने तो पूरे प्रदेश के कमांडेंट और मंडली कमांडेंट और जितने डीआईजी हैं बड़े अधिकारी जितने बैठे हैं शासन तक, इनकी यदि जांच कर ली जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे, जमीन पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मंत्री इनके अरीब करीब नहीं है, विधायक इनके अरीब करीब नहीं संपत्तियों में। तो ऐसा क्यों हो रहा, क्या ये सरकार से बड़े हैं? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है, इनकी संपत्तियों की क्यों नहीं जांच हो रही है? आखिर ये आए कहां से आई जो इतनी संपत्ति बनाए और सरकार से छुपा करके इनकम टैक्स तक नहीं दे रहे हैं? ये काली कमाई कहां से आई? सिर्फ मैं कहता हूं पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों की है और गलत तरीके से सरकार के खजाना को लूटे हैं, चूना लगा रहे हैं और ये दिमाग बन गए हैं, फिर भी हमारी सरकार मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो तो उनके बीच में खैर गोद में खेल रहे हैं बैतन के स्टाफ के, अब क्या माजरा है ये तो नहीं जान रहे कि इतना दयावंत बन गए कि बैतन के स्टाफ के गोद में खेल रहे हैं, कन्हैया बन गए। होमगार्ड मारा जा रहा, होमगार्ड को सताया जा रहा, जिस अधिकारी के यहाँ लगता है वो अपने कुत्ते धुलवाता है, कपड़े धुलवाता है, घर का साफ सफाई करवाता है, ये सब जियो क्यों? अभी अगन समन में आलमबाग गोमती नगर में उनसे अपना इस वर्दी पर झाड़ू दे कह साफ सफाई करिए और गाड़ी साफ करिए, ये वही वर्दी वो पहनते, वही वो वर्दी, ऐसे नोटिस अगर होमगार्ड गलती कर दे तो ये कमांडेंट लोग देर नहीं लगती है नोटिस देने में, और इधर गलती अधिकारी कर रहे हैं, वर्दी को तार तार बेसन करने पर उतर आए हैं, और उसके लिए ना इनकी हिम्मत पड़ती है कि बात कर लें या उनके खिलाफ लेटर लिख लें। ये मैं खुद सीतापुर कमाने लिए हैं चार्ज, वो खुद मैं उनसे वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि होमगार्ड ऑनलाइन ड्यूटी गई, ऑनलाइन जब भेज देंगे तो मैं ड्यूटी कहूँ लगा दूंगा। तो ये पहले वो सवाल नहीं है ड्यूटी लगा देंगे, ये सवाल है हमारे जवान के साथ वो ये वर्दी का क्यों शर्मसार किया जा रहा और कानून को तोड़ा जा रहा, तो ये इस पे सवाल होना चाहिए उस अधिकारी के खिलाफ। मैंने भी उस निरीक्षक से बात किया अगर समान आलमबाग, कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे लेकिन समय बताएगा कि कौन किसका बिगाड़ लेता है। आप गलत हैं, गलत की हमेशा बेईमानों की हार हुई है और सच्चाई की जीत हुई है, तो हमको कहीं तक जाना होगा, हम जाएंगे और उसको जो वर्दी का तार तार किए घूम करा रहे हैं वो कमांडेंट, ये तो नहीं करेंगे लेकिन एसोसिएशन जरूर करेगी। जो पीडीएस हमारे पास होमगार्ड आएगा उसकी हम भर भर कर कहीं तक जाना पड़े उसकी हम मदद करेंगे, उसको न्याय दिलाएंगे। तो प्रदेश के होमगार्ड जवानों से मेरी यही अपील है, यही निवेदन है कि आप बैतनिक पास कभी नहीं पैसा लेके तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुमको भटकाएंगे, समय लगाएंगे, सीधा आप एसोसिएशन पास आइए जो अपना कल्याण चाहते हो। तो अभी आप देखिए पैसा कितना लेट आ रहा, दो दो जीओ है 15 के बजाय दो दो तीन तीन महीना हो रहा है। तो मेरा एक निवेदन और है कि ये जितने भ्रष्टाचारी, जब भ्रष्टाचार की को समाप्त करने के लिए जड़ से के लिए ये बीजेपी सरकार संकल्प लिया था, तो फिर इन होमगार्ड भ्रष्टाचारी अधिकारियों के क्यों नहीं जांच हो रही, इनकी संपत्तियों को क्यों नहीं नीलाम किया जा रहा, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, जेल सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये महा डकैत लोग हैं। और होमगार्ड लूटा जा रहा, होमगार्ड हर महीना बदला जा रहा, लेकिन वहां पर कंपनी कमांडर आवेतनिक, प्लाटून कमांडर आवेतनिक, वैतनिक स्टाफ क्यों नहीं बदला जाता है? जब उनकी बदली होती है तो पूरे वहां स्टाफ को बदलना चाहिए, इससे जाहिर होता है कि वो तहसील मैन है, वहां पर पूरा उनका पकड़ बन गई है, इसलिए वो
वहां का सब कुछ जान गए, इसलिए ये वहां तक पैसा जाता है तो उनको नहीं बदला जाता। होम गार्ड को हर माह 50% NIC से दौड़ाया जाता है पूर्व पश्चिम 50-50, 60-60 किलोमीटर, और जो 50% वो पैसा दे रहे हैं उनको वो धीरे धीरे पूरी नौकरी भी एक एक पॉइंट पर पूरी पूरी कर चुके कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं को कर रहे हैं। तो ये देखिए होमगार्ड के साथ मजबूर किया जा रहा है उसको पैसा देने के लिए, जो पैसा नहीं उसको 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर और ऐसी जगह लगा देते हैं कि अपना स्थान पता लगाने में उनको 2-4 दिन लग जाता है, परेशान हो जाते हैं और 2-2, 4-4 हजार 5-5 हजार नुकसान भी कर होते। तो ये मजबूर किया जा रहा पैसे देने के लेने के लिए इनको कि अब ये खुद मजबूर होंगे तो पैसा देंगे, ये होमगार्ड विभाग का रवैया है। और तानाशाही कहा जाए या हिटलरशाही कहे जाए वो कम है, और हमारे मंत्री जी संज्ञान नहीं लेते, यानी वो संज्ञान नहीं लेते और ये होमगार्ड के लुटेरे अधिकारी ये मानते नहीं। तो हमारा कहना है इस भ्रष्टाचार को रंजीत सिंह DIJ उत्तर प्रदेश इनकी संपत्तियों की जांच हो। इतना पैसा सरकार का गलत तरीके से पैसा भी बनाया जा रहा और सरकार के खजाना को लूटा जा रहा है इनके द्वारा, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं ये अधिकारी होमगार्ड के अधिकारी। या सरकार नहीं सुनी तो फिर आने वाला समय से बताएगा, या फिर भगवान ही मालिक है और पाप का तो अंत हुआ है, आज हो या कल हो होना निश्चित है और इन भ्रष्टाचारियों को भुगतना होगा, भुगतान करना पड़ेगा। गरीब असहाय इनकी हाय जो निकल रही उनको जला के राख कर देगी। तो हमारा कहना है कि ये हेडक्वार्टर से लेके पूरे प्रदेश में सब विभाग में है, लेकिन होमगार्ड विभाग ऐसा है कि शासन तक बैठे अधिकारी अछूते नहीं है होमगार्डों को लूटने में, इनका परेशान करने में पीछे नहीं है बैठने के स्टाफ। तो बाबा उत्तर प्रदेश बाबा बुलडोजर के नाम से पुकारे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष मांग करता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों की तरफ आपका बुलडोजर घूमना चाहिए और इनके पर एक बुलडोजर चलना ही चाहिए और मांग है और समय की जो है ये समय के अनुसार ये बहुत मैं मांग करता हूं कि इनकी तरफ एक बार ये बुलडोजर घूमना चाहिए, जहां से जड़ से ये भ्रष्टाचार खत्म हो और होमगार्डों के साथ होमगार्ड जवानों को न्याय मिले। जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव उत्तर प्रदेश लखनऊ।